साथियों वेलकम बैक, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास की श्रृंखला में, और आज हम लोग बात करेंगे सामान्य विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको फिजिक्स या भौतिकी के रूप में हम लोग देखते हैं। तो चलिए उसी से संबंधित टॉपिक चल रहा था फ्रिक्शन अर्थात घर्षण की बात। तो घर्षण का बेसिक क्या कॉन्सेप्ट होता है, क्या विज्ञान है घर्षण का, क्यों घर्षण लगता है, ये सब हम बता चुके हैं आपको। और आज मुख्य रूप से बात करेंगे हम लोग घर्षण के प्रकार और साथ में घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक, क्या वजह है कि घर्षण लगता है, और लगता है तो किस पर कितना लगेगा, कहां ज्यादा घर्षण होगा, कहां कम घर्षण होगा, इसी बातों को यहां पर हम लोग आज देखेंगे। तो सबसे पहले जो इस ऑनलाइन क्लास को पहली बार देख रहे हैं वो जरूर इस चैनल के लिंक को शेयर करें, अपने अपने ग्रुप में जरूर इसको लिंक जो भेजें, और इस टीम को जो नवजीवन कैंपस है या एच रोशन जो चैनल है इसको बड़ा करें, और ज्यादा से ज्यादा ग्रुप होगा, ज्यादा संख्या में लोग जुड़ेंगे तो हमारे पढ़ाई और हमारे क्षमता और गुणवत्ता का आकलन ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रिक्शन से संबंधित महत्वपूर्ण बात। और आज हमने कहा फ्रिक्शन या घर्षण हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे टाइप ऑफ फ्रिक्शन। तो घर्षण हमने कहा था कि घर्षण दो सतह के बीच लगने वाला कॉन्टेक्ट फोर्स है, और इसके कारण दो सतह जब आपस में संपर्क में आता है तो इंटरलॉकिंग होती है, और इंटरलॉकिंग की वजह से घर्षण बल क्रिएट होता है। कभी कभी स्मूथ सरफेस होने की वजह से घर्षण कम लगता है, और रफ सरफेस होने की वजह से घर्षण ज्यादा लगता है, क्योंकि जब चिकना होता है तो इंटरलॉकिंग कम होता है, और जब खुरदरा होता है तो इंटरलॉकिंग ज्यादा होता है। तो ये अनइवन संरचना के बारे में बता चुके थे। अब यहां पर हमने चर्चा किया था कि फ्रिक्शन जो है वो दो तरह का है, नॉर्मली यहां पर पढ़ चुके हैं दो तरह का, इसके अलावा भी कुछ फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन रिव्यू के तौर पर देखें स्टैटिक्स और लिमिटिंग। तो पहला दो ये टॉपिक जो है यह चर्चा हम कर चुके हैं पिछले क्लास में, जो पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो प्रीवियस लेक्चर को जरूर देखें, ताकि आपको घर्षण से संबंधित जो भी कॉन्सेप्ट है बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, क्लियर हो जाए, और कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला हमने कहा था स्टैटिक फ्रिक्शन या स्थैतिक घर्षण, और कहा गया था कि स्थैतिक घर्षण जब भी लगता है तो रेस्ट की स्थिति में लगता है, अर्थात जब कोई पिंड पर घर्षण बल लग रहा हो और पिंड विराम की स्थिति में हो तो कहते हैं कि पिंड पर लगने वाला घर्षण बल स्टैटिक फ्रिक्शन है या स्थैतिक घर्षण है। मतलब मुख्य रूप से यहां विराम की स्थिति पर ध्यान रखना होता, लेकिन हमने ये भी बताया था कि घर्षण बल एक फोर्स है जो किसी भी पिंड के गति का विरोध करता है। अगर पिंड पूरब जाना चाहता है तो घर्षण बल उसको पश्चिम की तरफ धकेलता, अगर पिंड उत्तर जाना चाहता है तो घर्षण बल उसको दक्षिण की तरफ धकेलता, और इसके कारण पिंड के गति का विरोध करता। तो गति का विरोध करने के लिए पिंड में गति होना चाहिए, और जब तक गति नहीं होगा तब तक फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा, हमने कहा था। और इसलिए हमने कहा यहाँ रेस्ट में है तो घर्षण बल जीरो है, क्यों? क्योंकि यहाँ ये मोशन नहीं कर रहा है, मोशन करता तब तो फ्रिक्शन लगता, या मोशन करने का मन भी बनाता, एक इच्छा होती कि हमको चलना है तो घर्षण बल क्रिएट हो जाता, लेकिन चल नहीं रहा, रेस्ट में है। लेकिन इसी पिंड पर फोर्स एफ लगाया जाए तो पिंड चलने का मन बना लेगा, इधर चलने का फोर्स लगाया गया लेकिन फोर्स छोटा हो, और फोर्स लगाने के बावजूद पिंड विराम में मौजूद रहे, चले नहीं, तो इस समय जो घर्षण बल लगेगा ये घर्षण बल स्टैटिक कहलाएगा। और हमने कहा था इस समय विराम की स्थिति में जो घर्षण बल लगता है लगाए गए फोर्स के बराबर होता है। अगर 10 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स भी 10 ही न्यूटन होगा, यहाँ 20 न्यूटन लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स 20 न्यूटन होगा। और हमने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा गति का विरोध करेगा, पिंड को इधर धकेल रहे हैं तो फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर है, अगर इधर से फोर्स लगा दें फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन इधर हो जाएगा। और इसलिए हमने कहा था कि जब भी घर्षण बल लगेगा तो पिंड के गति के विपरीत दिशा में लगेगा। तो इतना हम समझा चुके हैं। इसके अलावा दूसरा एक इंपॉर्टेंट घर्षण का प्रकार है लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसको चरम घर्षण कहते हैं। लिमिट मतलब ही चरम होता है कि कोई भी चीज की एक लिमिट होती है, और लिमिट जब पहुंच जाते हैं तो कहते हैं अब ये लिमिट पर हो गया, अब इससे ऊपर जाएंगे तो लिमिट के बाहर हो जाएगा। लिमिट मतलब चरम, चरम मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता। तो दैट इज कॉल्ड कि ऐसा घर्षण जो मैक्सिमम हो दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्यों लगता है ये हमने बताया था पिछले क्लास में कि लिमिटिंग फ्रिक्शन भी
जो चरम घर्षण की बात कर रहे हैं, ये चरम घर्षण भी क्या है, एक प्रकार का अस्थैतिक घर्षण है। क्या है ये? अस्थैतिक घर्षण है, मतलब ये भी अस्टैटिक फ्रिक्शन ही है। हमने कहा था पिछले क्लास में, क्यों? क्योंकि इस समय भी पिंड विराम नहीं है, अभी चल नहीं रहा है। तो कब ऐसा होगा? तो हमने कहा था कि एक फोर्स लगाएं एक पिंड पर, ऐसे एक पिंड लें ऐसे, और इस पर फोर्स ऐसे क्रिएट करें एफ। तो फोर्स लगाएंगे और पिंड विराम में रहे, फोर्स लगाने के बावजूद, तो जब विराम में है तो अस्टैटिक फ्रिक्शन। हमने कहा विराम में रहेगा, फोर्स लगेगा, अस्टैटिक फ्रिक्शन होगा। लेकिन ये फोर्स इतना बड़ा है कि अब इससे बड़ा फोर्स लगाने पर ये चलने लगेगा, मतलब मैक्सिमम फोर्स हो गया। मतलब अगर ये फोर्स का मान 50 न्यूटन हो और 50 न्यूटन के बाद भी ना चले, लेकिन 50 से थोड़ा भी ज्यादा कर दें, 50.1 करें और चलने लगे, तो ये 50 इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू हो गया। इससे ऊपर जाने पर क्या होता है? चलना शुरू कर देता है, विराम में नहीं रहता। तो हमने कहा था कि जब किसी पिंड पर बल लगाया जाए और बल लगाने के कारण क्या हो, पिंड चलने चलने की स्थिति में हो जाए, चलने चलने की स्थिति में आ जाए, स्थिति में आ जाए, लेकिन लेकिन चले नहीं, चले नहीं, तो इस स्थिति में इस घर्षण का ही नाम क्या होगा? चरम घर्षण हो, चलना नहीं चाहिए लेकिन चलने चलने की स्थिति में है। अब उससे बड़ा कर देंगे, ये चलना शुरू कर देगा। तो ध्यान रखना कि जब फोर्स लगाया जाए, पिंड विराम में रहे लेकिन अब चलने चलने की स्थिति में आ गया है, तो उस स्थिति में लगने वाला जो स्थैतिक घर्षण होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी का नाम क्या है? चरम घर्षण। हमने कहा था कि चरम घर्षण घर्षण में क्या है? सबसे बड़ा बल है, इससे बड़ा घर्षण बल नहीं लगता। और एग्जाम में पूछेगा कि इनमें से कौन घर्षण बल सबसे बड़ा होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि घर्षण बल जो मैक्सिमम लगता है वो चरम घर्षण ही होता, तो ये ध्यान रखना है। तो ये दो चीज आपको हमने पिछले क्लास में समझा दिया था, जो पहली बार देख रहे हैं वो जरूर प्रीवियस वीडियो को जाकर के देखेंगे, बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा यहां पे। अब यहां से चलें, तो हमने कहा कि ये भी स्टैटिक है, ये भी स्टैटिक है, ये ध्यान रखना है, ये भी विराम में लगता है और ये भी विराम में लगता है, दोनों विराम में ही है, लेकिन ये विराम में लगने वाला घर्षण बल ये सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा घर्षण बल है, ये ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ा जब विराम में लगेगा तो कहेंगे वो लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो दो तो हो गया विराम के लिए, अब जो भी घर्षण पढ़ेंगे अब गति के लिए आएगा, और जब गति के लिए पढ़ेंगे तो दो तीन तरह के घर्षण बल पढ़ना होगा आपको। तीसरा जो यहां पढ़ेंगे उसका नाम है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब गतिज घर्षण। अब आ गया यहां से, अब विराम में नहीं है, अब गति की स्थिति में पिंड है, और तब जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन के रूप में, उसी को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। तो ये ध्यान रखना है कि विराम में कब लगता है, गति में कब लगता है। तो विराम में दो ही लग रहा है, स्टैटिक और लिमिटिंग। अब जो यहां से पढ़ेंगे सब गति के लिए, हो क्या रहा है समझना है बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली, समझेंगे तभी फिजिक्स का सवाल बनेगा या साइंस का सवाल बनेगा। इतिहास नहीं है कि किसका बाप कौन है, किसका बेटा कौन है, वो बदलने वाला नहीं है बाप बेटा, तो जो पूछेगा बता देंगे, लेकिन यहां पर सब कुछ बदलेगा, थोड़ा सा कंडीशन चेंज करेंगे बदलेगा। अब यहां एक पिंड था, ये एम मास का यही पिंड है, हमने कहा एक फोर्स लगाएं, ये चल नहीं रहा है विराम में, लेकिन ये फोर्स विराम में जो लग रहा है फ्रिक्शन, वो अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन को जो बाउंड्री है, जो एरिया, उसको क्रॉस कर जाए, मतलब अगर 50 न्यूटन के बल तक ये विराम में रहता है, 50 न्यूटन तक ये विराम, मतलब 50 न्यूटन इसका लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लेकिन अगर कोई आदमी इस पर 60 न्यूटन का बल लगा दे तो क्या होगा? 50 तक विराम में रहेगा, लेकिन जैसे ही 50 से बड़ा बल होगा ये पिंड चलने लगेगा। अब चलने लगेगा तो क्या होगा? तो जब चलने लगेगा तो भी इसके सतह और सड़क के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करेगा पीछे की तरफ, ये आगे जाएगा, ये मूव कर रहा है इधर, और फ्रिक्शन फोर्स इस सतह के कारण पीछे लग रहा, तो इस समय जो फ्रिक्शन लगेगा ये फ्रिक्शन, इसी का नाम
काइनेटिक फ्रिक्शन, ये ध्यान रखना। मतलब सिंपल क्या है कि जब पिंड पर बल लगाया जाए और पिंड गति की स्थिति में आ जाए तो पिंड और सतह के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन कहलाता है। मतलब ये गति में लगेगा और गति का विरोध करेगा। अगर विरोध ना करे तो कोई गाड़ी रुकेगी नहीं। आप एक पैडल मारे साइकिल का और छोड़ दें तो साइकिल चलते चलते कुछ दूर के बाद रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि सड़क और टायर के बीच पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है। साइकिल आगे जा रही है और सड़क और टायर के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको पीछे खींच रहा है। ये आगे बढ़ रहा है, ये पीछे खींच रहा है। धीरे 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 क्या होगा, इसका वेलोसिटी या चाल घटेगा और घटते घटते रुक जाए। तो ये क्यों रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन काम कर रहा है। फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो रुकेगा ही नहीं, चलता रहेगा हमेशा के लिए। तो ये ध्यान रखना है कि सिंपली क्या कहेंगे कि गति के स्थिति में, जब गति हो रहा हो तो गति के स्थिति में पिंड तथा सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल ये ध्यान रखना है, बस यही समझना। तो जब भी होगा तो गति के कारण होगा। अब यहां समझे ऐसे कि यहां तक विराम में था, अब ये गति में। जैसे हमने कहा ये रुका हुआ था, फोर्स लगाया आपने, तो फोर्स लगाएंगे तो धीरे धीरे जब फोर्स बढ़ा करेंगे तो चलने लगे। यहां देखें, हमने कहा ये स्मूथ सरफेस है, रफ सरफेस है। तो रुका हुआ था तो सरफेस इंटरलॉक था, एक दूसरे में फंसा हुआ था। हाथ ऐसे रखें तो फंसा हुआ, जब रगड़ेंगे तो जो इंटरलॉकिंग है टूटेगा। तो जब टूटेगा तो ध्यान रखना है कि टूटेगा तो धीरे धीरे जब चलना शुरू कर देगा तो ये दोनों का जो इंटरलॉकिंग होगा वो होगा नहीं, या होगा तो कम होगा, क्योंकि दोनों को एक साथ जुड़ने का समय नहीं मिल पा रहा। आगे बढ़ जा रहा है पिंड, तो आगे बढ़ जा रहा है तो दोनों इंटरलॉकिंग कम होगा, और इंटरलॉकिंग कम होगा तो निश्चित तौर पर ये काइनेटिक फ्रिक्शन जो लगेगा सतह में, ये घर्षण बल ये जो होगा ये अस्थैतिक से छोटा होगा। ये ध्यान रखना, मतलब अस्थैतिक मतलब दोनों हो गया, लिमिटिंग भी और अस्थैतिक भी, चूंकि लिमिटिंग भी अस्थैतिक ही है। तो रुका हुआ था तो पूरा इंटरलॉकिंग था तो फोर्स पूरी तरह से पकड़ रहा था, चरम तक पहुंचा तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन जब चरम टूटा और फ्रिक्शन फोर्स खत्म हो गया तो ध्यान रखना है कि जब एक बार इंटरलॉकिंग टूट गया, अब पिंड गति में आ गया तो इंटरलॉकिंग अब नहीं हो पा रहा, या हो रहा है तो बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हो रहा। तो उस स्थिति में जो घर्षण बल लगेगा वो काइनेटिक कहलाएगा, और काइनेटिक का मान इन दोनों से क्या होगा, छोटा होगा। दोनों से क्या होगा, छोटा होगा, मतलब स्टैटिक और लिमिटिंग से छोटा वैल्यू होगा किसका, काइनेटिक। कभी भी काइनेटिक इन दोनों से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इंटरलॉकिंग ज्यादा विराम की स्थिति में होता। नॉर्मली भी आप प्रैक्टिकली देखें, साइकिल चलाए हैं सब अपने लाइफ में कभी ना कभी, हम तो चलाए हैं, आप लोग नहीं चलाए होंगे, बाइक चलाते होंगे अलग मैटर है, लेकिन साइकिल चलाते होंगे तो ध्यान रखे होंगे कि साइकिल में चढ़ करके जब पहला पैडल मारते हैं तो बहुत ताकत लगाना पड़ता है। पहला पैडल जब साइकिल रुकी हुई थी और आप उसको लाना चाह रहे थे मोशन में तो पैडल पर ताकत ज्यादा लगाना पड़ता, लेकिन जब साइकिल चलना शुरू कर देता है एक बार तो धीरे धीरे भी पैडल मारेंगे तो साइकिल चलने लगती है। क्यों? क्योंकि जो शुरू में खड़ी थी साइकिल तो इंटरलॉकिंग ज्यादा था सतह और सड़क में, जब आप मोशन में ला दिए तो इंटरलॉकिंग अब नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे भी ताकत लगाएंगे तो साइकिल चलेगी। इसलिए देखते होंगे गाड़ी जितनी भी चलती है, बाइक हो, कार हो, ट्रक हो, बस हो, ट्रेन हो, कोई भी, जो पहला गियर होता है सबसे मजबूत गियर होता है, क्योंकि उस गाड़ी को सबसे ज्यादा ताकत विराम से गति लाने में लगता, इसलिए फर्स्ट गियर सबसे ताकतवर गियर होता है गाड़ी का, उससे गाड़ी चलती नहीं है, गाड़ी को विराम से गति में लाने का काम होता है। और इसलिए हमने कहा कि जब तक स्थिर विराम में है तब तक फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, और एक बार जब मोशन पकड़ लेगा तो फिर फ्रिक्शन का मान घट जाएगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग दोनों सतह में नहीं होगा। और इसलिए इन तीनों में अगर पूछ दे कि कौन छोटा कौन बड़ा, पूछेगा बार बार एग्जाम, और आने वाले एग्जाम में जो हो रहा है निश्चित तौर पर एनटीपीसी में पूछे, दरोगा में पूछे, बीपीएससी में पूछे, किसी न किसी में तो पूछा जाएगा। तो तीनों में छोटा कौन, तो ये, और तीनों में बड़ा कौन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि हमने कहा ये सबसे बड़ा है और ये इन दोनों से छोटा। तो ये हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन की बात। अब यहां से आगे बढ़े तो काइनेटिक फ्रिक्शन का ही दो और टाइप है, गतिज घर्षण का ही
दो और प्रकार है गतिधीन लेकिन चलने का तरीका अलग अलग है और इसके कारण से उसको गतिज घर्षण के अंतर्गत ही दो अलग घर्षण के रूप में देखा जाता है। चौथा और पांचवा, चौथा का नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन चौथा हो गया स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और पांचवा जो है वो है रोलिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। तो तीन पहले पढ़ा आपने, दो और आ गया, टोटल यही पांच प्रकार के घर्षण है। तो स्लाइडिंग को कहते हैं बी सर्पी घर्षण, विसर्पी घर्षण, और इसको कहते रोलिंग को लोटनिक घर्षण, लोटनिक घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है जीएस के लिए, खासकर ये सब टॉपिक जो टाइप ऑफ घर्षण पढ़ रहे हैं हम लोग। बाकी तो इसका फिर मैथ शुरू हो जाएगा तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, रेलवे में इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉर्मल एग्जाम में मैथ नहीं पूछा जाता इससे, लेकिन फिर भी हम इतना बता दें आपको कि मैथ भी पूछे तो आप सवाल आसानी से बना पाए, कुछ घबराए नहीं, आपको ये ना लगे कि बहुत टफ सेक्शन है, बहुत आसान है कुछ है नहीं। तीन आप समझ चुके हैं कि क्या होता है, ये क्या हो रहा है विराम में लग रहा है, ये विराम में लगने वाला मैक्सिमम घर्षण बल है, और जब गति पकड़ लिया तो सोच दो सतह के बीच लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक है। अब ये काइनेटिक दो तरह का है, स्लाइडिंग और रोलिंग। तो नॉर्मल चल रहे हैं तो काइनेटिक हो गया, लेकिन स्लाइडिंग और रोलिंग की बात करें तो एक है विसर्पी घर्षण और एक है लोटनिक घर्षण। तो विसर्पी सांप से आया है, ध्यान रखना, मतलब सांप जैसा घर्षण, और लोटनिक मतलब लोट करके होने वाला घर्षण, सिंपली रोल करना और स्लाइड करना। स्लाइड मतलब होता है फिसलना, जैसे स्नो जहां बर्फ गिरता तो लोग स्केटिंग करते हैं, स्लाइडिंग करते हैं। तो स्लाइड करना जैसे होता क्या है कि एक पिंड जो है गति कर रहा है, पिंड गति कर रहा है और जो कर रहा है वो फिसल कर रहा है, स्लिप करके। तो जब कोई पिंड फिसल कर गति करे, स्लिप करके गति करे, तो उस समय जो सतह और पिंड के बीच घर्षण बल लगेगा उसी का नाम क्या होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा। जैसे सांप को देखेंगे चलते हुए, छिपकली को घरों में देखेंगे चलते हुए, तो वो बॉडी को सतह से सटा लेता है और घसीट कर चलता। कभी कभी देखते होंगे बाथरूम में काई लग जाता है और पांव रखने पर पांव फिसल जाता, तो फिसलन है वहां पर, कहीं तेल लगा हुआ हो तो चिकनाई आ जाती है तो फिसलन आता। हमने पिछले क्लास में कहा था कि स्लीपर पहनते हैं और उसका ग्रिप घिस जाए तो चिकना हो गया, वो तो स्लीप करने लगता, फिसलता। तो जैसे ही फिसलन होगा तो फिसलन के कारण गति करेगा, फिसल करके, सरक सरक करके। तो उस स्थिति में जो घर्षण बल दो सतहों के बीच लगेगा वो डेट इज कॉल्ड विसर्पी घर्षण। सांप क्या करता है, सरक कर चलता है। तो सांप जब चलेगा तो बॉडी को जमीन पर से सरका कर खिसका कर आगे ले जाएगा, और खिसका कर ले जाएगा तो उसके सतह और उसके बॉडी के बीच जो घर्षण बल लगेगा वो घर्षण क्या कहलाएगा, स्लाइडिंग कहलाएगा। तो नॉर्मल चलेंगे तो काइनेटिक फ्रिक्शन, लेकिन वही चलने का काम फिसलन के द्वारा हो, स्लिप करके हो, तो कहते हैं वो क्या है, विसर्पी घर्षण। जैसे बर्फ की सीली लें और उसको धकेंगे तो बर्फ फिसलता और फिसलेगा तो जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा उसी का नाम क्या होगा, विसर्पी घर्षण हो। तो ये ध्यान रखना है फिसल करके। अब यहां क्या है रोलिंग की, लोटनिक घर्षण, और लोटनिक घर्षण में क्या होता है, पिंड गति करता है लेकिन जो गति करता है वो लुढ़क कर करता है, लुढ़क कर। जैसे एक गेंद लें ऐसे यहां, और गेंद ऐसे रखें और गेंद को ऐसे रोल कराएं, ऐसे मारे किसी चीज से, तो गेंद ऐसे लुढ़क करके रोलिंग करता हुआ ऐसे घूमता हुआ यहां पहुंच जाए। तो जब रोल करके कोई पिंड चले तो डेट इज कॉल्ड लोटनिक घर्षण, मतलब रोलिंग करते समय, रोल करते हुए जब पिंड कोई आगे बढ़ता है तो उस पिंड के और सतह के बीच लगने वाला घर्षण बल रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता। तो फिसल कर चलेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और जब रोल करके चलेगा तो रोलिंग फ्रिक्शन। तो ध्यान रखना है कि काइनेटिक का ही दो टाइप है ये, काइनेटिक नॉर्मल कोई भी गति हो रहा है तो उसको काइनेटिक ही माने, लेकिन जब गति स्लिप करके हो रहा हो, फिसलन के कारण हो रहा हो,
तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और जब गति रोल करके हो रहा हो, लुढ़क करके हो रहा हो, तो दैट इज कॉल्ड लुटनिक घर्षण। जैसे एक पहाड़ से चट्टान को लुढ़का दिया जाए तो लुढ़कते हुए स्लोप के कारण नीचे आ जाए, तो दैट इज कॉल्ड लुटनिक घर्षण या रोलिंग फ्रिक्शन। अब यहां ध्यान रखना है कि यहां पर इन तीनों में तो हमने कहा कि ये सबसे बड़ा है, ये छोटा है, और काइनेटिक में एक नॉर्मल काइनेटिक से ये दोनों छोटा, और इस रूप में स्लाइडिंग से छोटा रोलिंग होता है। मतलब अगर पांचों ऑप्शन में रहे तो सबसे छोटा रोलिंग होगा, और पांचों में रहे तो सबसे बड़ा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो ध्यान रखना है कि सबसे बड़ा घर्षण बल, सबसे बड़ा घर्षण बल कौन, तो सबसे बड़ा घर्षण हो गया चरम घर्षण, ये याद रखना चरम घर्षण। दूसरा कि सबसे छोटा घर्षण कौन, सबसे छोटा घर्षण, तो सबसे छोटा घर्षण बल की बात करें तो आपको याद रखना है किसको, तो लुटनिक घर्षण को, जो रोल करके चलता। तो रोलिंग करते समय जो घर्षण बल लगेगा वो सबसे छोटा होगा। तो लुढ़क कर चले, गेंद को ऐसे लुढ़काएंगे तो लुढ़क कर चलेगा, पत्थर को लुढ़काएंगे लुढ़क कर चलेगा, बर्फ को खसकाएंगे तो फिसल कर चलेगा, तेल लगा देंगे पैर पड़ेगा, मार्बल का फ्लोर होता है पानी पड़ता है पैर पड़ता है, अचानक से आदमी फिसल जाता है। तो उस समय जो घर्षण लग रहा है पांव और सतह के बीच, वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन। बाथरूम में अक्सर फिसल करके लोग गिर जाते हैं, तो वहां काई लगा होता है और काई के कारण स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है। तो फिसलन के साथ गति करे स्लाइडिंग फ्रिक्शन, लुढ़क कर गति करे रोलिंग फ्रिक्शन, नॉर्मल गति करे काइनेटिक फ्रिक्शन, अब विराम में हो तो स्टैटिक और लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो सबसे बड़ा याद रखना है, सबसे छोटा याद रखना। और कभी कभी ट्रेंड पूछ देगा कि बढ़ते क्रम में सजाएं घटते क्रम में सजाएं घर्षण का, तो घर्षण सब क्या है, सब एक फोर्स है जो पिंड के गति का विरोध कर रहा, या तक पिंड चलना चाहेगा तो घर्षण बल उसको क्या करेगा, रोकना चाहेगा। और ये सब हो रहा है दो सतह के संपर्क में होने के कारण, जैसे ही सतह संपर्क में आएगा तो ये फ्रिक्शन फोर्स काम करने लगेगा। अब यही पर ये घर्षण बल जो आपने पढ़ा, टाइप ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शन का गुण, ये आपने पढ़ लिया, तो यहां के बाद जो आपको पढ़ना है वो इसका सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और उस सेक्शन को हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि उसी से कुछ न्यूमेरिकल और कुछ मैथ के सवाल आपको फिजिक्स से पूछे जाएंगे। तो आप जो पढ़ना है वो पढ़ना है जो इसका कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारण, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस टॉपिक का, प्रभावित करने वाले कारक, काउजिंग एजेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कि घर्षण किसके कारण प्रभावित होता है। प्रभावित होने का मतलब दोनों चीज होता है, मतलब घर्षण लगता क्यों है, लगता है तो ज्यादा कब लगेगा और कम कब लगेगा, ये चीज ध्यान रखना है। और बहुत कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा तो आपको जो कॉन्सेप्ट बनेगा दिमाग में वो उल्टा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा सतर्क रहना। तो घर्षण को हमने पूरा समझाया आपको कॉन्सेप्ट से, कि घर्षण जो भी लग रहा है दो सतह में आपस में संपर्क में आने के कारण लग रहा है। तो एक सतह ऐसे है जो माइक्रोस्कोप में ऐसे दिख रहा है, एक सतह की बात हम करें, ये ऐसे है, इस पर एक दूसरा पिंड रखेंगे तो दूसरा पिंड का सतह भी ऐसे इंटरलॉक करेगा, जो हमने कहा ऐसे इंटरलॉकिंग हो जाता है, और यही इंटरलॉकिंग फ्रिक्शन फोर्स का काम करने लगता है। तो ध्यान रखना है कि मेन वजह यही है कि दो सतह है, ये सतह वन है ऊपर का, ये सतह वन है और ये सतह दो है, दो पिंड है। जैसे एक कार खड़ी हो सड़क पर तो कार का टायर का सतह और सड़क का सतह दोनों पास में टच करेगा, हाथ दोनों को सटाएंगे तो एक हाथ का सतह दूसरे हाथ का सतह टच करेगा, तो टच करेगा तो इंटरलॉकिंग होगा, और यही इंटरलॉकिंग घर्षण का कारण है, ये ध्यान रखना। अब सिंपल कॉमन कॉन्सेप्ट है, किसी से भी पूछेंगे, नहीं भी फिजिक्स जानता होगा उससे भी पूछेंगे कि चिकना सतह में और रुखड़ा सतह में घर्षण किसमें ज्यादा, तो सिंपल सब कहेगा कि जिस सतह में रुखड़ापन या खुरदरापन ज्यादा होगा उसमें फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, क्योंकि वो रुखड़ा है, रुखड़ा मतलब
ऊपर नीचे ज्यादा है तो ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, अगर पूरा चिकना है तो उबड़ खबड़ कम है तो इंटरलॉकिंग कम होगा। मतलब क्या है कि सबसे पहला जो फैक्टर है जो घर्षण को प्रभावित करता है वो है नेचर ऑफ सरफेस। ये ध्यान रखना है, नेचर ऑफ सरफेस मतलब क्या, सतह की प्रकृति, सतह की प्रकृति कैसी है, मतलब सतह है कैसा, चिकना सतह है कि रुखड़ा सतह है। तो पूछ देगा अक्सर बीपीएससी में पूछेगा कि घर्षण को प्रभावित करता है, पहला ऑप्शन नहीं दे देगा नेचर ऑफ सरफेस, तो ये सही है कि नेचर ऑफ सरफेस घर्षण को प्रभावित करता है। कैसे प्रभावित किया, तो अगर सतह, अगर सतह स्मूथ है, स्मूथ मतलब चिकना, अंग्रेजी में स्मूथ हिंदी में चिकना, तो चिकना सतह होगा तो घर्षण क्या होगा, कम होगा, घर्षण कम होगा। और अगर स्मूथ की जगह रफ सरफेस है, खुरदरा है, तो घर्षण जो होगा वो बड़ा होगा या ज्यादा होगा। तो पहला तो प्रभावित ये कर दिया कि सरफेस कैसा, तो ध्यान रखना है कि सरफेस, नेचर का, नेचर ऑफ सरफेस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है पहला। दूसरा जो है इंपॉर्टेंट, उसको समझना क्या है, जिसको समझे यहां पर ऐसे। अब यहां ध्यान दें कि मान लेते कि एक सतह ये है, दूसरा सतह ये है, ऐसे समझना है कि एक सड़क है ये, और सड़क पर एक टायर है, इतना ही बड़ा टायर है, किसी भी गाड़ी का पहिया हो सकता है ये, किसी का भी हो सकता है, बाइक का, किसी का। ये गाड़ी खड़ी है यहां पर, सड़क पर गाड़ी खड़ी है पहिया पर। अब मान ली कि पहिया एक बाइक का हो, पहले एक बाइक का पहिया हो, बाइक खड़ी हो इस पर, अगर बाइक को हटा दें, बाइक के जगह कार लगा दें, कार का भी पहिया है, कार को हटाएं, कार के जगह बस को लगा दें, और बस के जगह ट्रक को लगा दें, सब एक ही जगह पर है, पहिया है, और सब एक ही सड़क पर, तो टायर का खुरदरापन और सड़क का खुरदरापन तो सेम है, बदला नहीं है, टायर सबका रबड़ का बना हुआ है, सड़क वही है, तो सतह दोनों सेम है। बदल क्या रहा है, तो गाड़ी बदल रही है, कोई बाइक है, कोई कार है, कोई बस है, ट्रक है। तो बाइक खड़ी होगी तब क्या प्रभाव पड़ेगा, कार खड़ी होगी तब क्या प्रभाव पड़ेगा, बस खड़ी होगी तब क्या प्रभाव, ट्रक खड़ी होगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो प्रभाव क्या पड़ेगा इसको समझना है। समझना यह है कि इस सभी वाहनों का भार पड़ना ज्यादा है वेट पर, तो बाइक हल्का है, उससे भारी कार है, उससे भारी बस है, उससे भारी ट्रक है, वेट बढ़ रहा है सबका। तो एक हल्का वेट से सतह को दबाएं और एक ज्यादा वेट से सतह को दबाएं, तो कौन ज्यादा दबाएगा, तो जिसका वजन ज्यादा होगा वो ज्यादा वजन के साथ सड़क को दबाएगा, और जब ज्यादा वजन देंगे तो ये इंटरलॉकिंग ज्यादा कॉम्पैक्ट हो जाए। ऐसे घर बनाते हैं तो जब बालू भरा जाता है तो कॉम्पैक्शन के लिए उसको ऊपर से थूरते हैं, पानी पटाते हैं, धुरमुस करते हैं, धीरे धीरे कॉम्पैक्शन होता बैठता है, जब तक उस पर वेट नहीं देंगे नहीं बैठेगा वो। तो ध्यान रखना है, सड़कें बनती है तो गाड़ियों को चलाने से पहले भारी भारी रोलर चलाए जाते हैं कि जितना भारी रोलर चलाएंगे सड़क एकदम कॉम्पैक्ट होकर बैठ जाएगा। यही समझना कि जैसे जैसे भार बढ़ रहा है ये पहिया का कॉम्पैक्शन इस सड़क के साथ ज्यादा ज्यादा कॉम्पैक्ट हो गया, ये इतना सटा हुआ है, और अगर वेट बढ़ाएंगे तो ये इतना गैप दिख रहा है, ये गैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा और एक सतह दूसरे में बिल्कुल चिपक जाएगा, ऐसे ऐसे चिपक जाए, और जितना अधिक चिपकेगा उतना ही घर्षण बल बढ़ता चला जाएगा। अगर चिपके रहेंगे, कम चिपकेगा तो घर्षण कम लगेगा, और अगर ज्यादा चिपकेगा तो घर्षण ज्यादा लगेगा। यही समझना है कॉन्सेप्चुअली। तो पहला हो गया नेचर ऑफ सरफेस, और दूसरा क्या हो गया, तो पिंड का भार, पिंड का भार एक बड़ा फैक्टर है कि घर्षण कितना बड़ा लगेगा। पिंड के आकार से मतलब नहीं है, आकार का कोई लेना देना, टायर छोटा है कि बड़ा इससे कोई लेना देना नहीं है। सबको लगता है कि टायर चौड़ा है बड़ा है तो घर्षण ज्यादा क्रिएट करता है, टायर छोटा है तो घर्षण कम क्रिएट करता है, ये नहीं समझना, ये गलत कॉन्सेप्ट है, और इसलिए एग्जाम में पूछता। तो भार से डिपेंड कर रहा, ये पहिया तो वही है, रबड़ का है, साइज बड़ा छोटा से कोई मतलब नहीं, मतलब किससे, तो इस पिंड के भार से जो इस सड़क पर खड़ा है, सतह पर खड़ा। तो ध्यान रखना है कि भार बढ़ाने से क्या होता है, तो न्यूटन कहते थे कि भार से हम W बराबर mg दबाएंगे नीचे, तो ये सतह सड़क भी इसको धकेलेगा ऊपर,
और जो ऊपर धकेलेगा उसका क्या होगा, रिएक्शन फोर्स होगा। तो न्यूटन थर्ड लॉ में कहा गया था कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो सड़क को अगर टायर दबाएगा तो सड़क भी टायर को पुश करेगा, और इस जो पुश करेगा ऊपर, ये नॉर्मल रिएक्शन है। तो यही फैक्टर है नॉर्मल रिएक्शन, और ये वेट क्या होगा, बराबर होगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि जितना फोर्स से दबाएंगे आप उतना ही फोर्स से न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा, ऊपर धकेलेगा। मतलब दूसरा फैक्टर क्या हो गया, तो दूसरा फैक्टर हो गया पिंड पर लगने वाला अभिलंब बल, नॉर्मल फोर्स। क्या होता है अभिलंब बल, तो अभी हमने समझाया अभिलंब बल, अभिलंब बल हो गया 90 डिग्री पर लगने वाला फोर्स। अगर इतना आप दबाएंगे तो जो ऊपर फोर्स लगाएगा, ये नॉर्मल फोर्स को यहां अभिलंब बल कहते हैं। इस सतह से क्या है 90 डिग्री पर लग रहा, तो ये सतह है और ऐसे लग रहा, तो दोनों के बीच 90 डिग्री, तो ये नॉर्मल फोर्स है। और नॉर्मल फोर्स क्यों लगा, चूंकि आपने वेट से दबाया, ये जितना बड़ा वेट होगा उतना ही बड़ा नॉर्मल फोर्स होगा, ये कम होगा तो ये भी कम होगा। तो पहला हो गया नेचर ऑफ सरफेस, और दूसरा हो गया पिंड पर लगने वाला अभिलंब बल। यही दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो फ्रिक्शन को प्रभावित करता है, बढ़ा सकता है घटा सकता है। तीसरा जो हमने कहा उसको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा, और तीसरा क्या है, तो पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब सरफेस एरिया। ये नहीं समझना है कि जूता बड़ा है तो ज्यादा सतह टच कर रहा है तो ज्यादा घर्षण लगेगा, जूता छोटा है तो छोटा जूता इसलिए घर्षण कम लगे। हमने गाड़ी की बात की, आप पहिया, कोई आज कंपनियां चौड़ा पहिया बनाती है, कोई पतला पहिया बनाती है, तो पहिया के आकार से कोई लेना देना नहीं है फ्रिक्शन को, वो सिर्फ डिपेंड करा उसके वेट पर कि कितना भारी है, कितना भार से वो सड़क को दबाएगा। तो ध्यान रखना है पिंड का पृष्ठ क्षेत्रफल का प्रभाव घर्षण पर नहीं पड़ता है। और एग्जाम में पूछ देगा कि एक ब्रेक है गाड़ी का, एक ब्रेक का क्षेत्रफल दुगना कर दिया जाए तो ब्रेक लगने की संभावना बढ़ जाएगी घट जाएगी समान रहेगी, तो ब्रेक को बड़ा छोटा करेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उतना ही लगेगा जितना पहले लगता था, क्योंकि क्षेत्रफल से उसको कोई लेना देना ही नहीं। गाड़ी के पहिया पतला हो मोटा उससे कोई लेना देना नहीं है गाड़ी के फ्रिक्शन को। तो दो चीज कि ये दोनों प्रभावित करता है, लेकिन जो क्षेत्रफल है उससे घर्षण को कोई लेना देना नहीं। तो ये तीन चीज ध्यान रखना है घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक में, और तीनों ऑप्शन में रहेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। BPSC 66 की घोषणा हो गई है, बिगुल बच चुका है, तैयारी करें आप लोग, बहुत सारे फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो तैयारी को मुकम्मल स्थान तक पहुंचाएं और जो बताया जा रहा है उस पर कंसंट्रेट होकर फोकस होकर के काम करें। बहुत जल्द ही रात्रि में हम सभी विषय का जो एक क्लब टेस्ट सीरीज चल रहा था वो हम प्रतिदिन शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें आपको सभी विषय का 20 से 25 क्वेश्चन का पर डे डिस्कशन होगा। जो नॉर्मली जो चल रहा है वो तो चलेगा ही, उसके अलावा एक अलग एक लैब टेस्ट सीरीज के तौर पर ही हम कंटिन्यूसली उसका डिस्कशन का हम पर डे का एक लख रहे हैं, तब तक जब तक कि बिहार दरोगा और BPSC PT का एग्जाम ना हो जाए, जिसमें करेंट को भी जोड़कर आपको दिया जाए। तो ये हो गया प्रभावित करने वाले कारक। अब यहां से बात आती है घर्षण के न्यूमेरिकल सेक्शन की, जो मैथ पूछता है इससे। तो अब यहां पर हम एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन निकालने जा रहे हैं, जिससे ऑब्जेक्टिव और न्यूमेरिकल दोनों पॉइंट पूछेगा आपसे एग्जाम। अब यहां ध्यान रखना है जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इस पर थोड़ा सा कंसंट्रेट होंगे, थोड़ा सा एडवांस जा रहे हैं, लेकिन ये जरूरी है आज के एग्जाम को देखते हुए। एक सड़क है ये, और सड़क पर एक पिंड रखा हुआ है, इसका मास एम है, पिंड का मास एम है, तो एम मास है तो नीचे ये फोर्स लगाएगा कितना, तो फोर्स पृथ्वी के सतह पर कितना लगेगा, तो भार के बराबर, W = mg, ये फोर्स लगेगा जो नॉर्मल होता है। हम जहां भी खड़े हैं अपने वजन से सड़क को कहीं भी खड़े हैं उसको दबाते हैं। अब जब फोर्स mg लगेगा तो ये फोर्स सड़क के द्वारा ऊपर लगाया जाएगा, जिसको हमने कहा नॉर्मल फोर्स, यही नॉर्मल फोर्स है। और ये mg और नॉर्मल फोर्स बराबर होता है, क्यों क्यों बराबर होता है, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ हर जगह लागू होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये क्रिया हुआ है mg के द्वारा, तो सड़क प्रतिक्रिया दिया नॉर्मल फोर्स के द्वारा, और इसी को समझना है आपको कि n mg काम कर रहा है
अब इन दोनों के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है ऐसे इधर, एक फ्रिक्शन फोर्स इधर, एक पिंड इधर जाना चाहता है और इसके कारण इस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है एफ आर। बिल्कुल समझना है कॉन्सेप्टली, ये फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ये वेट है mg और ये वेट के कारण जो ऊपर में रिएक्शन फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल फोर्स है। और हमने कहा भी कि घर्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे बड़ा फैक्टर ये है n, नॉर्मल फोर्स कितना बड़ा। और कहा जाता है फिजिक्स जब पढ़ते हैं कि किसी भी पिंड पर जो घर्षण बल लगता है एफ आर, घर्षण बल एफ आर जो लगता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स होता है। जो अभी हमने कहा कि भार बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, भार घटाएंगे फ्रिक्शन घटेगा। भार का मतलब यही है, जितना बढ़ाइए उतना बढ़ाइए, तो ये बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा और ये घटाएंगे तो ये भी घटेगा। और यही हमने कहा कि फ्रिक्शन फोर्स भार पर डिपेंड कर रहा है, भार ज्यादा होगा फ्रिक्शन बड़ा लगेगा, भार कम होगा फ्रिक्शन कम लगेगा। इसलिए हमने कहा सीधा समानुपाती है घर्षण बल और विलंब बल का। अब यहां पर प्रश्नार्थी हटाएं तो एफ आर बराबर आप लिख सकते हैं म्यू इंटू एन, ये ध्यान रखना, और ये म्यू को हम बाहर कर रहे हैं तो म्यू बराबर लिखेंगे, मैथ पढ़े आप लोग बहुत अच्छा मैथ जानते हैं, तो ये क्या हो जाएगा एफ आर बटा एन, ये एक आपको इक्वेशन मिल गया। अब यहां म्यू को थोड़ा सा जानना है, म्यू बराबर क्या क्या है ये म्यू, तो इसको म्यू कहते हैं बोलने के लिए, म्यू ध्यान रखना। और इसको पूरा टर्म में देंगे तो कहते हैं इसको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हिंदी में घर्षण गुणांक कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट राशि है जीएस के लिए, न्यूमेरिकल तो पूछेगा ही और न्यूमेरिकल के अलावा म्यू के बारे में पूछेगा कि म्यू है क्या, म्यू का क्या वैल्यू होता है, म्यू को कैसे देखते हैं, ये ध्यान रखना। अब यहां से आगे चलें, फिर हमने कहा कि ये म्यू जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, जो घर्षण गुणांक है, म्यू क्या है तो घर्षण बल और अभिलंब बल का क्या है अनुपात है। तो किसी पिंड के घर्षण बल तथा अभिलंब बल का अनुपात निकाल दें तो उन दोनों के बीच का क्या मिल जाता है, म्यू मिल जाता है। ये म्यू ही डिपेंड करता है कि किस जगह पर घर्षण कितना होता, कम लगेगा ज्यादा लगेगा, वो नेचर ऑफ सरफेस की जो हम बात करें वो म्यू से ही डिसाइड होता। अर्थात म्यू बराबर क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे घर्षण बल और बटा क्या अभिलंब बल, ये दोनों का अनुपात निकाल देंगे तो ये हो जाएगा क्या म्यू। तो म्यू की इकाई क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, तो म्यू का इकाई पूछ दे आपसे क्या होगा, ये दो चीज इकाई और बीमा, क्या होगा इकाई और बीमा म्यू का। तो यहां देखें ये फोर्स है, ये भी फोर्स है, घर्षण बल है अभिलंब बल है, दोनों बल ही है, या फ्रिक्शन फोर्स हमने कहा घर्षण बल और अभिलंब बल, तो घर्षण बल और बल 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 कटेगा तो क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, संख्या बचेगा। मान लिया ऐसे लिखें कि 5 न्यूटन और 10 न्यूटन, क्या बचेगा, तो न्यूटन कटेगा और 5 × 2.5 आए, 0.5 के साथ क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, चूंकि संख्या, और संख्या जब हो जाता है तो संख्या का ना तो इकाई होता ना बीमा होता, मतलब ये क्या है इकाईहीन है और साथ ही बीमाहीन है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में पिछली बार पूछा गया था, और ऐसा राशि जो इकाईहीन हो और बीमाहीन हो वो एग्जाम में ज्यादा पूछता, तो वो ध्यान रखना और बार बार पूछेगा, और उसमें से एक इकाई आपको म्यू भी है। अब यहां ध्यान देना है ये दो चीज को कि यूनिट लेस है और डायमेंशन लेस है, क्यों, क्योंकि दोनों बल का अनुपात है। अब एक्सपेरिमेंट जब होता है फिजिक्स में घर्षण पर, तो दो चीज ध्यान रखना कि जब एक्सपेरिमेंट करते हैं कि घर्षण कैसे लग रहा है कितना लग रहा है, तो एक चीज पता चलता है प्रयोग से, क्या पता चलता है कि घर्षण बल किसी भी पिंड पर जो लगता है, घर्षण बल किसी भी पिंड पर, यहां एफ आर लग रहा है इन दोनों के बीच, तो घर्षण बल किसी भी पिंड पर जो लगता है वो हमेशा, घर्षण बल हमेशा छोटा होता है किससे, अभिलंब बल से। ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ये ध्यान रखना, अभिलंब बल मतलब जब भी बड़ा होगा तो ये बड़ा होगा इसकी तुलना में, एफ आर की तुलना, अगर ये
वेट एमजी जो है अगर 50 न्यूटन है तो ये 50 न्यूटन से छोटा होगा, ये फर्क 50 न्यूटन से बड़ा कभी नहीं होगा। ये हो सकता है 45 हो, 40 हो, 48 हो, लेकिन 50 तो नहीं होगा, वो छोटा ही होगा। ये ध्यान रखना, चूंकि जितना वेट लगता है उससे कम फ्रिक्शन फोर्स हमेशा कैलकुलेट किया जाता है किसी भी पिंड के लिए। तो क्या समझना है, पूछ दे आपसे कि घर्षण बल का मान अभिलंब बल से होता है क्या, तो हमेशा छोटा होता है। यहां हम लेस देन दिए हैं अभिलंब बल, मतलब घर्षण बल छोटा है और अभिलंब बल बड़ा है। और म्यू क्या है, घर्षण बल और अभिलंब बल का अनुपात है, ऊपर में घर्षण बल नीचे में अभिलंब बल। तो म्यू का वैल्यू आपको पूछ दे कि म्यू का वैल्यू कितना होता है, या म्यू का वैल्यू हमेशा होता है कितना, एक, एक से ज्यादा, एक से कम, तो क्या आंसर करेंगे, क्या आंसर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम के लिए और आने वाले एनटीपीसी में बार बार पूछेगा ये। तो घर्षण बल हमने कहा छोटा है अभिलंब बल से, एमजी बड़ा है एफ आर से, और यहां एन है जो नीचे, और हमने कहा म्यू बराबर क्या, तो एफ आर और बटा एन, और एन ही क्या है एमजी है, यही एमजी है ना, एन और एमजी तो बराबर है। तो एफ आर हमने कहा ये क्या है, छोटा है, घर्षण बल छोटा है, ये बड़ा है, तो ये छोटा राशि और नीचे बड़ा राशि भाग देंगे तो क्या मिलेगा म्यू का मान, मान ली ऊपर में 5 हो और नीचे में 10 हो, भाग देंगे तो 1/2 मतलब 0.5, तो क्या मिल रहा है हमको, एक से कम मिल रहा। तो ध्यान रखना है म्यू का जो वैल्यू होगा हमेशा एक से कम होगा, कभी भी ना एक होगा और न ही एक से ज्यादा होगा। तो इतना चीज आप ध्यान रखें जो आपको घर्षण से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के तौर पर आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, इतना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो जीएस में पूछता। आगे इसमें बहुत सारी चीजें हैं, घर्षण कौन है, विराम कौन है, इंक्लाइंड प्लेन पर कैसे पिंड चलता है, कितना घर्षण लगता है, तो सब बताया जाता। अब उसके अलावा वो चीजें आपको एडवांस सेक्शन पढ़ना होगा, जब जब ऑथेंटिक बैच हम घोषणा करेंगे तो उसमें जीरो लेवल से सब पढ़ाया जाएगा। यहां पर आपके एग्जाम के लिए जितना जरूरी था वो घर्षण से संबंधित मैंने सब कुछ बता दिया। अब अगले क्लास में हम लोग घर्षण का क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो पूरा दोनों वीडियो को जोड़ करके आप याद रखें, कॉन्सेप्ट को समझें और एक एक क्वेश्चन 10 का 10 सही करने का प्रयास करें, तभी एग्जाम में रिजल्ट हो पाए। तो फिर मिलते हैं लोग आगे के क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जहां रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, मस्त रहें, बिल्कुल जोश और जुनून के साथ तैयारी में लगे रहें, नकारात्मक भाव से बचें, नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहें और देश की एकता अखंडता के प्रतीक चिन्ह के तौर पर एक बार बोलें जय हो मैया की। थैंक यू।